और चलिए इसी बीच चिलेवाड़ा होटल अग्निकांड पर बड़ी खबर आपको दे दे, तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। होटल मालिक रोहित राहुल अग्रवाल को जेल हो गई है। होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव जेल भेजे गए हैं। आपको बता दें कि आज कोर्ट में इन तीनों को पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिन की जेल इन्हें भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट लेवाना होटल अग्निकांड से जुड़ा हुआ। तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। अग्निकांड के तीनों आरोपी थे, पुलिस ने इन तीनों को कल गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट में पेश किया गया और इन तीनों को 14 दिन की जेल हो गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ था, 4 लोगों की मौत उसमें हुई थी और उसके बाद इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मैनेजर भी होटल का शामिल है। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है और ये बड़ा अपडेट ये है कि तीनों को 14 दिन की जेल में भेजा गया है। और चलिए विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है फिलहाल खबर पर? और तीनों को कल हिरासत में लिया गया था। इसमें लेवाना होटल के मालिक हैं रोहित और राहुल, दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जीएम है सागर श्रीवास्तव, तीनों को हिरासत में लिया गया था क्योंकि इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। सीएम योगी ने उसको संज्ञान में लिया, अस्पताल पहुंचे, लोगों से मिले, उनकी बातचीत सुनी और उन्होंने पाया कि होटल वालों की जिम्मेदारी थी, गैर जिम्मेदाराना वजह से ऐसा अग्निकांड हुआ है। जब जो नजारे देखे उन्होंने, जो एबीपी गंगा में खबरें दिखाई जा रही थी, होटल के नजारे दिखाए जा रहे थे, सारा सब कुछ गड़बड़ था। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। उसी समय शाम, देर शाम को तीनों को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू की गई और दोषी पाते हुए उनको फिर रात में उनकी गिरफ्तारी शुरू की गई। आज सुबह मेडिकल परीक्षण कराया गया, उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में उनके वकील भी आए थे और जो सरकारी वकील है वो भी थे, दोनों ने अपने तर्क रखे। कोर्ट में जो बचाव पक्ष है यानी जो आरोपी है उनकी तरफ से जो वकील थे, उन्होंने तगड़ी उनको जेल भेजने का विरोध किया और कहा कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जो एलडीए के इंजीनियर हैं और तमाम जो विभागों के लोग हैं उनसे एनओसी ली गई थी और जो एनओसी जिसकी नहीं थी वो प्रोसेस में थी, यानी उसके लिए अप्लाई कर रखा था। और बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट का एक बार निर्णय आने दिया जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद इनको जेल भेजा जाए अगर जेल भेजने की ऐसी जरूरत पड़ती है तो। हालांकि कोर्ट ने किसी भी तर्क नहीं माना। 4 लोगों की मौत हुई है और हाहाकार मचा है, जिस तरह से पूरे शहर में नहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। कोर्ट ने कहा कि इनको फिलहाल 14 दिन की, तीनों व्यक्तियों को यानी रोहित राहुल और जीएम सागर श्रीवास्तव तीनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में, ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। और इस दौरान कोशिश ये की जाएगी पुलिस की तरफ से, जो विवेचक है वो तीनों को रिमांड पर लेकर जो आगे की पूछताछ होगी, यानी कल शाम से जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए भी उसका रिमांड पर आना बहुत जरूरी है। इस पूरे षड्यंत्र में, जो 2017 में अगर होटल शुरू हुआ था तो पूरे षड्यंत्र में कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ किन किन विभागों से इन लोगों ने सेटिंग और गेटिंग करके सुविधा शुल्क देके पैसा देके एनओसी हासिल की है, इसमें कितने लोगों को क्या क्या अमाउंट दिए गए, ये सब बातें भी पूछी जा सकती है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए तीनों को रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर आने के बाद फिर और भी खुलासे होंगे। जो नाम अभी सामने आए हैं, जैसे एलडीए के 22 इंजीनियरों को आरोपी बनाया गया है, दोषी बनाया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की गई है। इसी तरह से फायर डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी दी थी कि वेंटिलेशन सिस्टम दुरुस्त है, यहाँ पे फायर अलार्म ठीक है, जो फायर जो इंतजाम है अग्निशमन के वो सब चुस्त दुरुस्त है, वो एनओसी कैसे मिल गई। बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हाशिए पर जो चुपचाप पीछे पर्दे के पीछे रहकर खेल कर रहे हैं, उनके नाम सामने आएंगे जिन्होंने 250 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया। यानी जो आवासीय नक्शा पास है उस पर 250 किलोवाट का, ज्यादा से ज्यादा 2 वाट, 4 वाट या 5 वाट का कनेक्शन होता है, 250 किलोवाट का कनेक्शन देना, यानी जो कमर्शियल नक्शे पे दिए जाते हैं। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात है कि अब जो जांच की आंच है वो किन किन अधिकारियों तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।